रोहित शर्मा अपने पहले ही टेस्ट में कामयाब ओपनर बनने के साथ साथ टेस्ट में सबसे बेस्ट ओपनर के रूप में उभर कर सामने आए। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज रहने वाले रोहित शर्मा के बचपन के कोच दिनेश लाड टेस्ट में भी ओपन के रूप में अपने शिष्य की कामयाबी से गदगद है। लाड ने कहा कि रोहित टेस्ट में करियर से शुरू से ही जो मौके मिले उन्होंने अपने जमने के बाद गलत शॉट खेलकर उन्हें गंवा दिए। इंग्लैंड में वनडे में विश्व कप में रोहित ने शुरू के 10 ओवर संभल कर खेले, जिसके बाद उन्होंने शॉट खेलने के लिए ढीली गेंदों का इंतज़ार किया और उन्होंने यह फॉर्मूला सक्सेस भी साबित हुआ। यह उनके टेम्परामेंट में बड़ा बदलाव था। शुरू में कुछ संभल कर खेलने की बदली सोच रणनीति ने रोहित के बहुत काम की बात आई। विश्व कप की कामयाबी ने रोहित की बतौर ओपनर सोच तो बदल ही दी, उन्हें यह भरोसा भी दिया कि वह टेस्ट में भी स्क्रम पर बल्लेबाजी करने में कामयाब हो सकते हैं। अब तो रोहित जब तक जितने भी टेस्ट मैच में खेलेंगे ओपनिंग ही करेंगे। रोहित ने बतौर टेस्ट ओपनर शुरुआत में हड़बड़ी छोड़ दी और रोहित एक संभल कर खेलना शुरू किया। रोहित की एक बड़ी ताकत यह है कि वह बाउंसर पर जवाबी हमला बोल कर तेज गेंदबाजों को हमलों की धार कुंद कर देते हैं। उनके लिए सबसे अच्छी बात है कि कप्तान विराट कोहली का उन पर भरोसा जताना। उनके भरोसे के कारण ही रोहित खुद को कामयाब टेस्ट ओपनर के रूप में साबित कर पाए हैं। यह सच भी है कि धोनी ऐसे कप्तान रहे जिन्होंने उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा दिखाया। टीम इंडिया की ताकत रोहित, मयंक, पुजारा और कोहली रहाणे के रूप में दुनिया के 5 बेहतरीन बल्लेबाज निकल कर सामने आए हैं। कभी दुनिया के 30 गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को आतंकित करते हैं। आज उमेश शामी और बुमराह और ईशान जैसे रफ्तार सौदागरों ने दुनिया भर की टीमों में नाक पे दम कर दिया है। रोहित आने वाले दिनों में एक सीरीज में 1000 रन बना भी सकते हैं, ऐसा शोएब अख्तर का कहना था। अब देखना होगा कि रोहित का ये फॉर्म कब तक जारी रहता है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज रहे रोहित शर्मा हुए भावुक। भरोसा जताने के लिए कोहली और शास्त्री का किया शुक्रिया। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैन ऑफ द सीरीज रहे टीम के हिटमैन रोहित शर्मा ने भारतीय कप्तान विराट कोहली को शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है, मंगलवार को मैं इन दोनों का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मेरी काबिलियत पर भरोसा किया। और रोहित ने कहा, कोई भी फॉर्मेट हो बतौर ओपनर आपको ज़्यादा अनुशासित रहना चाहिए। 2013 में मैंने वनडे में ओपनिंग शुरू की थी, उस वक्त मैंने यह अनुशासन का मंत्र अपना लिया था, लेकिन मेरी सफलता में इसका बड़ा योगदान रहा है। रोहित ने कहा, अगर शुरुआती एक घंटा ठीक से निकाल लेता हूं तो उसके बाद वह अपनी गलती से ही आउट होता हूं, कोई गेंदबाज मुझे आउट नहीं कर सकता। नई गेंद का सामना करना आसान नहीं होता, एक बार आप जब वक्त निकाल लेते हैं तो अपने हिसाब से खेल खेलते हैं। मैं खुद से यही कहता हूं कि नई गेंद का सामना समझदारी से करना और संयम से करना है, इससे मुझे और टीम दोनों को ही फायदा होता है। बता दें कि टीम इंडिया के 3 टेस्ट मैचों की सीरीज 3-0 से अपने नाम की है। रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में 132 के औसत से 529 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 2 शतक के साथ साथ एक बड़ा शतक भी लगाया। रोहित ने विशाखापट्टनम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में जहां पहली पारी में 176 वहीं दूसरी पारी में 127 रन भी बनाए। दूसरे टेस्ट मैच में उनका बल्ला नहीं चला और वह 14 रन ही बना सके, लेकिन उस टेस्ट मैच में दूसरे टेस्ट मैच में सिर्फ एक ही पारी टीम इंडिया खेल पाई। रांची में खेले गए तीसरे मैच में इन्होंने इसकी कसर निकाली और 2 शतक लगाकर शानदार शतकीय पारी खेली। रांची टेस्ट मैच में उन्होंने शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। इस तरीके से रोहित शर्मा का शानदार प्रदर्शन जारी है। टेस्ट में ओपनर बनते ही बदले रोहित शर्मा के सितारे, सारे आंकड़ों को तहस नहस किया। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में रोहित शर्मा का बल्ला जमकर रन बना रहा है। बतौर ओपनर यह रोहित की पहली टेस्ट सीरीज है। रोहित शर्मा ने सीरीज में रिकॉर्ड्स की झड़ी तो लगा दी है, उन्होंने अब 4 पारियों में कुल 529 रन बना लिए हैं। इस सीरीज में उनका औसत 132 का रहा है। रांची में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट की पहली पारी में रोहित ने करियर का पहला दोहरा शतक भी लगाया। इससे पहले उन्होंने विशाखापट्टनम में 176 और दूसरी पारी में 127 रनों की पारी खेली। रोहित ने सीरीज में सबसे पहले तीसरे और छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए इस सीरीज से पहले तीसरे और तीसरे से छठे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 27 टेस्ट मैच खेले थे, जिसमें उन्होंने 1585 रन बनाए थे। इस दौरान उनका औसत 29 का रहा। उन्होंने 3 100 से ज़्यादा रन बनाए थे, हालांकि ये तीनों शतक इंडिया में ही आए थे, बाहर यह उनका रिकॉर्ड खराब माना जा रहा था। इस तरह ओपनिंग करते हुए रोहित ने करियर के 25% रन तो बना लिए हैं, यानी कि 4 पारियों में 500 से अधिक रन बनाए रोहित ने। ये आंकड़े बता रहे हैं कि रोहित नीचे बल्लेबाजी करने में सहज नहीं थे,
जैसे ही उन्होंने अपनी मनपसंद पोजीशन मिली तो अपने पुराने रंग में लौट आए। रोहित का घरेलू मैदान पर रिकॉर्ड लाजवाब रहा है। इस मामले में उन्होंने सर डॉन ब्रैडमैन को भी पीछे छोड़ दिया है। आपको बता दें कि डॉन ब्रैडमैन अपने ज़माने के सबसे सफलतम बल्लेबाज थे और अपने ही ज़माने के नहीं, वह पूरे टेस्ट क्रिकेट इतिहास में वह सबसे सफलतम बल्लेबाज भी माने जाते हैं। हर टेस्ट मैच में 100 रन बनाने वाले एकमात्र बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन ही है। उन्होंने 50 टेस्ट मैच खेले जिसमें उन्होंने 7,000 से ज़्यादा रन बनाए और हर मैच में उनका औसत अगर औसत माना जाए तो 99.99 है। रोहित ने घर पर खेलते हुए 6 शतक और 5 अर्धशतक की बदौलत 18 पारियों में 1298 रन बनाए हैं। पिछली 9 पारियों में उन्होंने 82, 51, 102, 65, 50, 176, 127, 14 और 212 रन बनाए। वही डॉन ब्रैडमैन ने घर पर खेलते हुए 98.22 के औसत से रन बनाए हैं। इस सीरीज से पहले रोहित शर्मा का टेस्ट करियर खत्म होने के कगार पर था। इससे पहले उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। वहां वह उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं था। रोहित को अगस्त में वेस्टइंडीज दौरे पर टीम में शामिल किया गया था, उन पर उन्हें अंतिम एकादश में खेलने का भी मौका नहीं मिला था। वेस्टइंडीज दौरे पर केएल राहुल बतौर ओपनर नाकाम रहे, जिसके बाद रोहित शर्मा को खेलने का मौका मिला। इसके बाद मुख्य चयनकर्ताओं में इसके प्रदर्शन पर दबाव था। वहीं फैंस की भी ये राय थी कि रोहित टेस्ट में ओपनिंग करे। रोहित को बतौर ओपनर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में सिर्फ आजमाया भला गया था, उनकी जगह पक्की नहीं थी। रोहित ने इस मौके को पूरा फायदा उठाते हुए 4 पारियों में 2 शतक और 1 दोहरा शतक तो जड़ दिया और अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में बने कई कीर्तिमान। 10 विश्व रिकॉर्ड बने रोहित ने अकेले ध्वस्त किए कई कीर्तिमान। दक्षिण अफ्रीका का भारत का दौरा टीम इंडिया के लिहाज से रिकॉर्डों से भरा रहा। विशाखापट्टनम में शुरू हुई 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम कई बड़े बदलावों के साथ उतरी। सीरीज खत्म होते के साथ साथ कई सारे रिकॉर्ड भी बदलाव कर गई। टीम इंडिया ने पूरी सीरीज में कई विश्व रिकॉर्ड तो बना ही विकेट कीर्तिमान भी ध्वस्त किए। आइए नजर डालते हैं ऐसे 10 विश्व रिकॉर्डों के बारे में जो इस सीरीज में बने। पहले मैच की दोनों पारियों में सबसे अधिक 37 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बना। इसमें रोहित शर्मा द्वारा अकेले 13 छक्के लगे। रोहित ने पहली पारी में जहां 6 छक्के लगाए तो दूसरी पारी में उन्होंने 7 छक्के भी लगाए। इससे पहले एक टेस्ट में सबसे अधिक 35 छक्के लगे थे जो शारजाह में 14-15 में खेले गए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ लगे थे। रोहित अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टेस्ट, वनडे और टी20 में बतौर ओपनर शतक लगाने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले खिलाड़ी हैं। रोहित ने पहले टेस्ट मैच में ही उपलब्धि हासिल कर ली थी। वहीं विशाखापट्टनम टेस्ट में रविंद्र जडेजा को सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले बाएं हाथ के पहले गेंदबाज बने हैं। उन्होंने एल्गर का विकेट लेते ही श्रीलंका के रंगना हैरत का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। विशाखापट्टनम में खेले गए पहले टेस्ट मैच में रोहित ने एक मैच में 13 छक्के लगाकर सबसे अधिक छक्कों का रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने यह रिकॉर्ड पाकिस्तान के वसीम अकरम के रिकॉर्ड को तोड़कर अपने नाम किया है। रोहित शर्मा बतौर ओपनर पहले टेस्ट की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए। उन्होंने पहले टेस्ट की पहली पारी में 176 तो वहीं दूसरी पारी में 127 रन बनाए थे। वहीं बात रविचंद्रन अश्विन के करें तो अश्विन ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक 350 विकेट छक्का कर मुथैया मुरलीधरन के साथ सबसे तेज रन बनाने का रिकॉर्ड किया। उन्होंने यह कारनामा 66वें टेस्ट मैच में ही कर दिखाया। वहीं विराट कोहली के कप्तान के तौर पर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा 19 शतक लगाने के मामले में रिकी पोंटिंग के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। दोनों खिलाड़ियों के टेस्ट में बतौर कप्तान 19-19 शतक हैं। वहीं विराट कोहली बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 9 बार 150 से अधिक का स्कोर बनाने वाले महान ब्रैडमैन के आगे निकल गए हैं। ब्रैडमैन ने अपने करियर में यह कारनामा 8 बार किया है। भारत ने घरेलू सरजमीं पर लगातार 11वीं टेस्ट सीरीज जीतकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उसने ऑस्ट्रेलिया की 10 टेस्ट सीरीज जीतने का रिकॉर्ड तोड़ा है। भारत ने 2013 से अब तक धोनी और विराट रहाणे की कप्तानी में लगातार 11 टेस्ट सीरीज जीती है, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। टीम के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा एक टेस्ट सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर गए हैं। रोहित ने पहले टेस्ट की एक सीरीज में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के शिमरन हेटमायर के नाम था, जिन्होंने 2018 में बांग्लादेश के खिलाफ 15 छक्के लगाए थे। फिलहाल रोहित के नाम मौजूदा सीरीज में 19 छक्के हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर सीरीज में आधे से ज़्यादा रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम रहे हैं और ये